इसके पीछे नहीं पड़ती। हाँ लाल की माँ बड़ी धर्मात्मा विवेकी और न्यायी सरकार है, या तुम्हारा लाल जरूर कुछ न कुछ करता होगा। उसी समय वहां पर मां चिल्लाता हुआ लाल आया, लंबा सुंदर सुडौल तेजस्वी। अरे माँ तू यहाँ भाग आई है, देख तो मेरे कुछ दोस्त वहां दरवाजे पर खड़े हैं, चल उन्हें कुछ चटपट नाश्ता करा दे, फिर हम लोग घूमने के लिए आएंगे। तू आ गया। और लाल के माँ के झुर्रियों में एक चमक आ गई लाल को देख। तू आ गया, पर देख तो चाचा जी तेरी क्या शिकायत कर रहे हैं बेटा, तू क्या बाजी बना करता है। क्या बात है चाचा जी, मैं तुमसे नाराज हूं लाल। क्यों चाचा जी? क्योंकि तुम बुरे होते जा रहे हो, क्योंकि तुम सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले के साथी हो। हाँ तुमको देखो 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 लालजी मां, इसके चेहरे का रंग उतर गया यह सोचकर कि यह खबर मुझे कैसे मिली। और सचमुच में लाल का खिला हुआ चेहरा मुरझा गया मेरी बातों को सुनकर। लेकिन मथुरा की सुन ला, आपने गलत सुना है चाचा जी, मैं किसी षड्यंत्र में नहीं, किसी भी द्रोह में नहीं। हाँ मेरे विचार स्वतंत्र अवश्य है, मैं जरूरत बेजरूरत जिस चीज पर जरूर बोल पड़ता हूँ, मैं बोल पड़ता हूँ इस देश की दुर्व्यवस्था पर, इस पशु हृदय स्वतंत्रता पर। तुम्हारी बात ही सही, तुम किसी षड्यंत्र में नहीं, किसी मित्र में नहीं, फिर ये बकवास क्यों? क्यों ये बकवास? अरे तुम्हारे इस बकवास से ना तो देश की दुर्व्यवस्था दूर होगी, ना उसकी स्वतंत्रता। तुम्हारा काम पढ़ना है, पढ़ो, फिर पढ़ लिखकर अपने घर को संभालो। अरे पहले अपने घर का तो उद्धार करो, फिर देश और समाज और सुख रहना। माफ कीजिए चाचा जी, मैं आपसे विवाद करना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें विवाद करना होगा, चाहना होगा तुम्हें विवाद। मैं तुम्हारा चाचा ही नहीं, बहुत कुछ तुम्हें तुम्हारा। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मेरे आंखों के सामने रामनाथ की तस्वीर बचने लगती है, तुम्हारी ये पूर्णिमा मेरे आंखों के सामने घूमने लगती है। मैं ऐसी तुम्हें अपने हाथ से बेहद नहीं हो जाने दूंगा, नहीं हो जाने दूंगा। चाचा जी पराधीनता के विवाद में मैं और आप दो भिन्न सिरे पर हैं, आप कट्टर राजभक्त और मैं कट्टर राजविद्रोही। आप अपनी बात को उचित समझते हैं अपने कुछ कारणों से, मैं अपनी बात को समझता हूँ अपने कुछ कारणों से। आप अपनी प्यारी कल्पनाओं के कारण अपना पद नहीं छोड़ सकते, तो मैं भी अपना पद नहीं छोड़ सकता। अरे क्या है तुम्हारी वो प्यारी कल्पनाएं, जरा मैं भी तो सुनूं कि आजकल के लड़के कांग्रेस की गर्दन तक जाते जाते कैसे कैसे हवाई जहाज उड़ाने लगते हैं, जरा मैं भी तो जानूं। मेरी कल्पना तो यह है चाचा जी कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रीय समाज के नाश पर जीता हो उसका सर्वनाश हो जाए, और ऐसे नाश में मेरा भी हिस्सा हो, मेरा भी हाथ हो। अरे तुम्हारे यहाँ दुर्बल है, दुर्बल उनसे जिनसे कि तुम पलटा लेना चाहते हो, चरमर हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। नष्ट होना तो प्रकृति का नियम है चाचा जी, जो संवारा गया है वो तो बिगड़ेगा ही। हमें दुर्बलता के डर से अपना काम नहीं रोकना चाहिए, गर्मी के समय हमारे दोनों भुजाएं दुर्बल नहीं, भगवान के शस्त्र भुजाओं की संख्या होगी। तो तुम बनाना चाहते हो षड्यंत्र, जरूरत पड़ी तो जरूर विद्रोह, हम अवश्य हत्या। न जाने कौन सा किताब पढ़ पढ़ के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सावधान, एक दिन मेरी धर्म पत्नी के साथ बैठकर लाल की माँ बातें कर रही थी कि मैं वहां पर पहुंच गया। मैंने कहा क्यों लाल की माँ, तुम्हारे लाल के साथ किसके किसके लड़के आते हैं तुम्हारे घर में? मैं क्या जानू बाबू, वो तो सभी लाल ही की तरह प्यारे दिखते हैं, सब लापरवाह। वो तो इतने हंसते गाते और हो हल्ला मचाते हैं, मैं तो मुक्त हो जाती हूँ। वो कैसी कैसी बातें करते हैं लाल की माँ, कुछ समझ पाती हो? अरे बाबू